नमस्कार दोस्तों, आ गए आज वैसे टॉपिक को लेकर जिस टॉपिक के क्रमिक क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं। आज उसी पहलू पर चर्चा करेंगे। आपको देखकर ही लग रहा होगा ये हिस्ट्रिकल स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज हमारे मगध साम्राज्य के महान हस्ती कह सकते हैं, जिन्होंने आज मगध को मगध के रूप में पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में लोग आज मगध साम्राज्य को जानते हैं। तो इस मगध साम्राज्य के कई एक प्रतापी राजा हुए, जिसमें आपने बिंबिसार का नाम सुना होगा, आपने शिशुनाग का नाम सुना होगा, आपने महापद्म नंद का नाम सुना होगा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, जिनका लोहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग माना करते थे। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके वंश में अशोक सम्राट जैसे वीर पैदा लिए थे। क्योंकि कहा जाता है कि पूरे विश्व जगत में तीन यदि कोई महान हुआ है तो उसमें अशोक महान, अकबर महान और सिकंदर महान का नाम आता है। उसमें से एक महान आपके इस मगध की धरती का है, आपके इस पाटलिपुत्रा की धरती का है। अतः हम लोगों को बिहारी होने का, पाटलिपुत्रा धरती पर जन्म लेने का और यहां का बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग, जो यहां पर शुंग वंश की स्थापना किए, कन्नब वंश के संस्थापन वसुदेव और सातवाहन के संस्थापक शिमुक, ये हमारे मगध साम्राज्य के महान राजाओं में से, मगध साम्राज्य के कह सकते हैं सबसे ग्रेट मेन में इन सातों लोगों का नाम आता है जिनका नाम आपके सामने है। अब सवाल है कि सर इसमें एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा? तो एक तो सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि हरियत वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहते बिंबिसार। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, तो शिशुनाग। तीसरा नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। चौथा मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका पिक्चर आपको दिख रहा है। सबका पिक्चर से आपको दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। कन्नब वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, शिमुक। लेकिन एग्जाम में इस संस्थापक से तो क्वेश्चन रहता ही है कि कौन किस वंश के संस्थापक है। इसके अलावे अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन पूछने लगा है। वो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? वो क्वेश्चन ये है कि मगध साम्राज्य के क्रमिक राजवंश निम्नलिखित में से कौन है। राजवंश का नाम आपको याद हो जाएगा, उसके संस्थापक का भी नाम आपको याद रहेगा, लेकिन यह बच्चा परेशान कब होता है, जब सवाल यह करता है कि मगध साम्राज्य के क्रमिक राजवंश कौन है, यानी पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, तब यहां पर चेला जो है फेर में पड़ जाता है। और इसी सब वंश में आगे पीछे करके ऑप्शन रहता है। जैसे मान लीजिए पहले हरियक वंश देगा और शिशुनाग को ज्ञात करके नंद वंश दे देगा, या फिर नंद वंश को ज्ञात करके मौर्य वंश दे देगा, कभी मौर्य वंश को पहले कर देगा, हरियक वंश को बाद कर देगा, कभी सातवाहन को पहले कर देगा, नंद वंश को बाद में कर देगा। तो इसी को आगे पीछे करके क्या करता है, चार गो ऑप्शन बना दिया। अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्रमिक रूप में तो नहीं याद किए थे भाई, ये याद था कि हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, कन्नब वंश के संस्थापक वसुदेव थे, सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये सारा कुछ याद हो गया, लेकिन क्रमिक राजवंश जब पूछता है तब बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसमें आप किस वंश के राजा कौन थे उनका नाम याद हो गया, और पिक्चर से सारे लोगों का चेहरा भी थोड़ा सा ब्रेन में रखिएगा तो नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। मेन इसमें यह था कि क्रमिक राजवंश का नाम याद करना है, और इस क्रमिक राजवंश के नाम याद करने के लिए एक प्यारा सा छोटा सा ट्रिक लिखने जा रहे हैं। बस एक मिनट समय दीजिएगा तो यह ट्रिक के माध्यम से क्रमिक राजवंश याद हो जाएगा। लेकिन उस ट्रिक क्या है पता है? आजकल बड़ा एक झोल चल रहा है, लोग लव मैरिज कर रहा है, सबको पता है कि एक लड़की एक लड़का प्यार करता है और प्यार की वासना में वशीभूत होकर वह शादी कर लेता है। अब हमेशा लड़का उस लड़की को ताना मारता है कि हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। क्या बोलता है? हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। इसका मतलब क्या, दीदी हम तुमसे शादी नहीं करते तो तोरा से कोई नहीं करता। और लड़कियों उसी तरह ताना मारती है कि हसीन मेरा शुक्र मना के शादी कर ली,
यानी तुम अपना शुक्र मनाओ कि हम तुमसे शादी कर लिए, नहीं तो तोरा से कोई नहीं करता। ये सिंपल स्टेटमेंट है जो आजकल लव मैरिज में पूरा चल रहा है कि हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। उसी स्टेटमेंट को यहां लिखेंगे सारे वंश का नाक क्रमिक हो जाएगा। एकदम गौर से देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ये है हसीन मेरा शुक्र मना, शुक्र मना की शादी कर ली। एकदम देखो छोटा सा प्यारा सा नॉर्मल स्टेटमेंट है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। नॉर्मल बात है, आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि हसीन मेरा शुक्र मना कि हम तुमसे प्यार कर लिए, हसीन मेरा शुक्र मना कि हम तुमसे शादी कर लिए। तो यहां पर एक मस्त ट्रिक है, एक नॉर्मल सा लैंग्वेज है कि हसीन मेरा शुक्र मना कि शादी कर ली। अब इसी से सारा वंश हो जाएगा। हो से कौन सा वंश हो गया भाई? हो से हो गया हरियक वंश। हो से कौन वंश बाबू? हो से हरियक वंश। सी से क्या हो गया? शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश। नौ से क्या हो गया? नंद वंश। मेरा से क्या हो गया? मौर्य। लैंग्वेज को पकड़िए, जैसे मेरा आएगा मतलब मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। सु से क्या हो गया? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जिसके हैं। क से क्या हो गया? कन्नव वंश, जिसके संस्थापक वसुदेव हैं। और शादी से यहां से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है भाई? ये जो सातवाहन वंश हैं, इस सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। एकदम देखिए नॉर्मल स्टेटमेंट है, हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली, हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। यदि याद आप लोगों को हो गया होगा तो निश्चित रूप से तुरंत अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके और उनकी जो समस्या थी मगध साम्राज्य में क्रमिक राजवंश का, वो दूर हो जाए। तुरंत शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं, यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर पाते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा सोचिए, अपने दिल में थोड़ा जगह बनाइए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरी भी मदद हो जाए और हम आपका भी मदद कर पाए। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। याद हो गया, हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। एकदम हम इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन लेकर हम पर डे आपके पास आएंगे। कल से हम आपके लिए ग्रुप डी के लिए स्पेशल एक न्यूमरिकल भी लाएंगे। न्यूमरिकल कहने का मतलब है कि आप एक टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे, देखे होंगे, वो टॉपिक आपका था ये गैसों का आचरण, उसका पूरा इक्वेशन और थ्योरी पढ़ चुके थे। उसके न्यूमरिकल जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कल ही हम आपको बताएंगे। इसलिए आप इंतजार कीजिएगा, कल जैसे ही गैसों के आचरण का न्यूमरिकल अपलोड होगा, कि आप पूरा न्यूमरिकल जैसे हम आपको समझाएंगे बताएंगे, आप भी बनाकर देखिएगा। और ये मानिएगा कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ग्रुप डी में फिक्स है कि गैसों के आचरण से पूछेगा। यदि न्यूमरिकल पूछेगा तो आपसे आराम से बन जाएगा। सारे इक्वेशन का न्यूमरिकल उसमें है, जिसमें इजी से आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो उसी तरह से ग्रुप डी के लिए और बीपीएससी वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन पर डे हम कल से लेकर आएंगे। आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ सके और हम उनकी सेवा दे सके। क्लियर? तो ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट था, हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा कि हसीन मेरा शुक्र मना की शादी कर ली। ध्यान दीजिएगा, ह से क्या हो गया? हरियक वंश। स से क्या हो गया? शिशुनाग वंश। न से क्या हो गया? नंद वंश। मेरा से क्या हो गया? मेरा मौर्य वंश। सु से क्या हो गया? शुंग वंश। क से क्या हो गया? कन्नव वंश। और शादी से क्या हो गया? सातवाहन वंश। और उसके राजा कौन है, संस्थापक कौन है, वो भी आपको याद हो गया होगा। हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कन्नव वंश के संस्थापक वसुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। कोई दिक्कत की नहीं को, यदि आपको अच्छा लगा होगा मेरे सेशन तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।